नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। जैसा कि आपको पता है कि आज राजभर साहब आने वाले हैं और राजभर जी के स्वागत के लिए आप चौराहे चौराहे पे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के देख सकते हैं, और खास करके जो जिनवा चौराहा है उस पे आप लोगों को जो दिखाई देगा वो सबसे अलग दिखाई देगा पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है और किसानों के लिए लड़ाई करने वाला वो नवयुवक भी आप लोगों के बीच मौजूद है, और उन्हीं से आज आप लोगों की बात कराना चाहेंगे कि उनके दिमाग में ये आया कैसे कि ट्रैक्टर से आज राजभर जी का स्वागत करना चाहिए। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मंत्री जी का, पंचायती राज मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हमारे आदर्श इंटर कॉलेज सटौआ में आगमन हो रहा है, जिससे जनपद बस्ती के समस्त कार्यकर्ताओं, गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों के मन में अति प्रसन्नता है। उसी प्रसन्नता को देखते हुए हमारे नेता जी किसानों के नेता है, गरीबों के नेता है, मजदूरों के नेता है, छात्रों के नेता है, इस वजह से उनके सम्मान में हम सब किसान ट्रैक्टर यात्रा करके उनका स्वागत करेंगे, ट्रैक्टर उनके जनसभा में शामिल करेंगे, उनके काफिले में ट्रैक्टर शामिल करेंगे सर। और आज तो हमारे विधानसभा में कई समस्याएं थी सर, विधानसभा ही नहीं बल्कि जिले की बड़ी समस्या थी। आज कृषि यूनिवर्सिटी की मांग उनके समकक्ष हम सब रख पाएंगे, आज वो हम सब का हर्ष का दिन है। माननीय मंत्री जी हमारे सरकार के साथ में है और हमारा संदेश पुनः उनके तक पहुँचाया जाएगा, माननीय योगी जी तक, माननीय नरेंद्र मोदी जी तक। और जो नहर की विकट समस्या है, नहर के जो भ्रष्टाचारी ठग बेईमान ये ठगते जा रहे हैं, नहर के द्वारा किसानों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं और सिंचाई की दुर्दशा किए हुए बैठे हुए हैं, उनसे निजात मिलेगा। माननीय मंत्री जी द्वारा हमको निजात मिल जाएगा, उम्मीद है। कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा होगा, बारिश आ रही है, इंद्रदेव भी खुश है। माननीय मंत्री जी से तो शंकर जी के बहुत अनन्य भक्त है, इस वजह से डायरेक्ट जो है प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बरसात में भी आप कैमरे से दिखा सकते हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ में नौजवान साथी, किसान साथी अगर उपलब्ध हैं तो कितना हमारे नेताजी अच्छे हैं, कितने लोकप्रिय हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है सर। बिल्कुल, आज क्या क्या मांगे रखनी है आप लोगों को? प्रथम सर तो बस्ती के लिए यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय। द्वितीय जो मांग है, सरयू नहर के अंतर्गत, खंड 4 के अंतर्गत जितनी भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, भगवानपुर के कुछ लोग हैं, हरिहरपुर के कुछ लोग हैं, उस मुआवजे की मांग है सर। तीसरा जो समस्या है, भगवानपुर में एक रामपल्टन चौधरी जी का, उनके जमीन, निजी जमीन में प्राथमिक विद्यालय बन गया है, आज 20 से 25 वर्ष हो गया सर, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है उसका, और न जमीन के बदले जमीन दिया गया है शासन द्वारा, सरकार द्वारा, उसकी मांग है सर। और एक कोरियाडीह पुलिया से और कोठिला पुलिया के बीच में एक पुलिया की आवश्यकता है, जिससे किसान इस पार से उस पार जा सके। पुलिया ना होने के कारण सर बड़ी विकट समस्या है, वहाँ के किसान 5-6 किलोमीटर घूमकर जाते हैं, मुख सर पे बोझा लेकर के जाते हैं और बड़ी लंबा दूर यात्रा करना पड़ता है, किसान बहुत परेशान हो जाते हैं सर। तो क्या लगता है कि आज जो आप मांगे रखने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं, चैनल पे भी चले हैं, बहुत सारी मेहनत भी आप लोगों ने किया है, आपके साथ जो जिस तरीके से युवा टीम खड़ी रहती है ये काबिले तारीफ है। फिलहाल क्या लगता है आपको कि मंत्री साहब आज इसका निवारण कर पाएंगे? न सर, निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारे जो है सरकार में है और हमारी जो है सूचनाएँ, हमारी समस्याएँ जिले की शासन तक पहुँचाएंगे, सत्ता तक पहुँचाएंगे और इससे हमें निजात मिलेगी। तो मंत्री जी कहाँ तक पहुँचे, कुछ है आइडिया? सर लोकेशन मिला है अभी, हरदिया चौराहा क्रॉस कर रहे हैं सर, हरदिया चौराहा क्रॉस कर रहे हैं। तो तब तक आप लोग यहाँ पे हैं? जी। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, और युवाओं की शक्ति वाकई में देश बदलती है, दिशा बदलती है और दशा को बदलती है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे युवा खड़े हैं, कहीं ना कहीं मंत्री का इनमें विश्वास पूर्ण दिखाई दे रहा है, और ये ट्रैक्टर रैली वाकई में लग रहा है कि हो सकता है किसानों के लिए वाकई में कुछ करने जाए।